हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 12th का बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं पहले रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 103, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 103 महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या दिया? धीरज एंड नीरज आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, तो यहाँ पे लिख दो आप ओल्ड रेशियो 3:2, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलते जाए उसको आप नोट करते जाओ। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2012 वॉज एज अंडर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट दिया हुआ है कौन सी ईयर का? क्लोजिंग ईयर 31st मार्च 2012। बैलेंस शीट दिया लाइबिलिटी असेट्स, लाइबिलिटी में कैपिटल है, जनरल रिजर्व है ना, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश। ये तो हो गया बैलेंस शीट। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है एडमिट करने का कंडीशन। दे एग्री टू एडमिट सूरज इन देयर पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2012 ऑन द फॉलोइंग टर्म। थर्ड पार्टनर किसको ऐसा एडमिट कर रहे हैं हम लोग? सूरज को। किसको? सूरज को, ठीक है। उसके बाद दिया है न्यू पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो। अभी न्यू जो रेशियो है ऑलरेडी दिया हुआ हमें 3:1:1, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। सूरज शुड ब्रिंग 15,000 शेयर ऑफ गुडविल एंड फर्म 20,000 एस इज कैपिटल। तो क्या करना है उसको? गुडविल भी लेकर आना 15,000 का और 20,000 एस ए कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूएड 90% ऑफ बुक वैल्यू, और यहाँ पे क्या करना है हमें? जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको हम लोग 90% पे लेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? डिप्रिशिएट हो जाएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी प्रोवाइड 5%, और यहाँ पे लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है। क्या दिया है? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहाँ पे जो न्यू बैलेंस शीट में जो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का, उसको हमें क्या करना है? न्यू कैपिटल पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेस पे हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू का। एडजस्टेड इन कैश द बेसिस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और उसको किससे एडजस्ट करना है हमें? कैश से। जैसे हम लोग ने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था करंट अकाउंट, फिर उसके बाद लोन अकाउंट, और ये थर्ड जो है कैश अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट में कैसे दिया हुआ है? डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल का और ये न्यू बैलेंस शीट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। स्टार्ट करने का स्टेप क्या है? बैलेंस शीट को पोस्ट करो और उसके साथ में जो जो इफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे जिस अकाउंट पर, उसको हम लोग मार्क करके इनर कॉलम में लिख लेंगे। फर्स्ट दिया है कैपिटल धीरज नीरज 50,000, तो क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, और ये डैश हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व 10,000। अभी जनरल रिजर्व क्या आ जाएगा? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करेंगे? तो ओल्ड रेशियो पे। ओल्ड रेशियो कितना हमारा? 30,000, और अमाउंट कितना है? 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाय 5,
इंटू थ्री कितना आ जाएगा 6000, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6000, और बैलेंस कितना आ जाएगा इसका 4000, क्योंकि टोटल कितना है 10000 ही है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, एकदम सिंपल है। उसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर 70000, तो सन्ड्री क्रेडिटर को यहाँ पे लिख लो क्योंकि वो तो लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 70000। उसके बाद क्या दिया हमें, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल कहां पर आएगा लाइबिलिटी में, अमाउंट कितना है 7000। ये हो गया लाइबिलिटी कंप्लीट। असेट्स पर आ जाओ, अभी देखो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी और डेटर के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखना लैंड एंड बिल्डिंग 35000, लैंड एंड बिल्डिंग 35000, अभी क्या हुआ है इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 49000, लिख लो प्लांट एंड मशीनरी 45000, ये भी इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर 2100, तो फर्नीचर ले लो असेट्स में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हमें, स्टॉक, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। आप लोग क्या करोगे, एडजस्टमेंट रीड करके अपने बुक में मार्क कर लोगे। ठीक है, स्टॉक 28700, उसके बाद क्या दिया हमें, सन्ड्री डेटर 63000, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा कैश, तो कैश का एडजस्टमेंट तो हम लोग डायरेक्टली करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को तो अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा हैबिट हो चुका है कि हम लोग कैश को कैसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कैश कितना दिया ओपनिंग 9200 प्लस, बाकी जो रहेगा जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तब उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी और असेट्स का पोस्टिंग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, चलो हम लोग एक एक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें, फर्स्ट क्या दिया है, दे एग्रीड टू एडमिट सूरज 1st अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट तो इन्फॉर्मेशन दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद दिया है सूरज शुड ब्रिंग 15000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म एंड 20000 हिज कैपिटल। गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है, तो गुडविल लेकर आ जाएगा तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना है अमाउंट 15000 है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 15000 प्लस, गुडविल अकाउंट तो बनाया नहीं है तो उसको जाने देंगे। उसके बाद सेम उसी वक्त क्या होगा, दूसरी जर्नल एंट्री पास क्या होती है, जैसे गुडविल अगर पार्टनर लेकर आ रहा है तो पार्टनर लेकर आ गया, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो पे। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसा है, यहां पर दिया नहीं है तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी सेक्रीफाइस रेशियो के लिए क्या रूल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी पार्टनर का नाम क्या दिया हुआ है यहां पर,
धीरज एंड नीरज, तो धीरज का पहले निकाल लो। अभी देखो धीरज का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या आ जाएगा धीरज का, 3/5, क्योंकि 3 n+1 n+1 5, तो क्या आ जाएगा 3/5, मतलब यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब निल। यहाँ पे धीरज को गुडविल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। नीरज का निकाल लो, तो अभी इसको नीरज का निकालने की जरूरत है क्या, फिर भी निकाल लेते हैं। 2/5 माइनस अभी धीरज का जो रेशियो रहेगा क्या हो जाएगा, 1/5, तो कितना हो जाएगा 1/5, क्योंकि 2 में से डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो गुडविल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नीरज के अकाउंट में चला जाएगा बाय गुडविल अकाउंट। नीरज अमाउंट कितना है, 15,000। ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना जरा, कि यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो अगर नील आ जाता है एक पार्टनर का, तो ऑटोमेटिकली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो सेकेंड पार्टनर को पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है द फर्म एंड 20,000 हिज कैपिटल, और 20,000 इसे कैपिटल भी वो लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, सूरज। तो जब सूरज कैपिटल लेकर आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, और दूसरी जर्नल एंट्री कहाँ पर आ जाएगी, पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सूरज के अकाउंट में, 20,000। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट सेकेंड। उसके बाद दिया थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो 35,000 का 90% कितना हो जाएगा, 31,500। मतलब क्या हुआ है, 10% से क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गया, क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया 90%। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर माइनस कर लेंगे उससे, तो 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन, को ब्रैकेट में ले लेंगे तो हमें याद रहेगा कि माइनस करना है, 35,000 माइनस 3,500, तो कितना आ जाएगा, 31,500। अभी यहां पर क्या आ रहा है, हमारा असेट्स डिक्रीज हो रहा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। क्या लिखेंगे उसको, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 3,500। उसके बाद क्या दिया हमें, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 5% एंड 10%। मतलब स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, हमें स्टॉक को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या दिया है, पहले प्लांट एंड मशीनरी माइनस कर लेंगे 5%। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 45,000, तो 45,000 का 5% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। टू हंड्रेड फिफ्टी, और उसको माइनस कर लेंगे और ऑर्डर कॉलम में लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 42,700। अभी यहां पे असेट्स रिड्यूस हो रहा है, तो सेम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2,250। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक 10% रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि जैसे एक के बाद एक जो रहेगा, तो स्टॉक को थोड़ा हम लोग ऊपर लिख लेंगे,
कितना अमाउंट है 28,700, ठीक है, लेस रिडक्शन, क्योंकि स्टॉक तो डेप्रिशिएट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रिडक्शन। कितना दिया है 10%, तो 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,870। तो माइनस कर देंगे 28,700, है ना, तो हमारा आ जाएगा 25,830, ठीक है। रिडक्शन या फिर रिड्यूस ऑफ स्टॉक वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, तो स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा 2,870। ये हो गया हम लोग का फोर्थ एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया है हमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी प्रोवाइड 5% ऑन डेटर। तो अभी डेटर के ऊपर क्या है, आरडीडी कैलकुलेट करना है, लेस आरडीडी 63,000 का ले लेंगे हम लोग 5%, तो कितना आ जाएगा 3,150, माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख लेंगे इसको हम लोग 59,850, ठीक है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, आरडीडी हमारे जो डेटर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आरडीडी कितना आ जाएगा 3,150, ठीक है। हमेशा याद रखना है एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद सिक्स आ गया, सिक्स क्या दिया है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा उसके बेस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो उनका टोटल कैपिटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू रेशियो पता है हमें, ओल्ड रेशियो पता ही है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कैपिटल। तो इसको यहाँ से आप देख लिए ऑलरेडी, यहाँ से आप रिवाइज कर लेना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल कैपिटल। अभी टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के दो रूल हैं, मैं आपको फर्स्ट वाला बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। टोटल कैपिटल, अभी टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो जो न्यू पार्टनर का कैपिटल रहेगा उसके साथ में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। अभी रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, तो रेसिप्रोकल ऑलरेडी मैंने बताया था, न्यू पार्टनर का रेसिप्रोकल कितना, सॉरी रेशियो कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1, ठीक है। अभी न्यू कैपिटल कितना है उसका, तो कैपिटल ऐसा कैपिटल कितना लेकर आया था 20,000, तो लिख लो यहाँ पर 20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 है ना, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/1, तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा 5 × 2 = 10, मतलब 1 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख को पूरे न्यू रेशियो पे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उनका आ जाएगा वो कैपिटल तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, धीरज
नीरज, सूरज, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 लाख इंटू 3/5, तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 है ना, 5 2 10 टू एंड 2 3 60। कभी कभी आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, जब अगर बहुत सारे सिर्फ नंबर्स सिंगल नंबर्स में अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिया है तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप 1/5। तभी देखो 5 2 10 मतलब 20,000। सेम उसी तरह सूरज का, तो सूरज के लिए थोड़ा सा हम लोग और नीचे स्पेस ले लेंगे, वन लाख इंटू 1/5, ये कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये हो गया कैपिटल, तो कैपिटल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी डेबिट बैलेंस में। टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्या आ जाएगा, धीरज का 60,000, नीरज का 20,000 और सूरज का भी 20,000। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट यहां पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैश को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहां पर इन दोनों के पहले हम लोग कैश को क्लोज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या करना है, हमें कैश अकाउंट ओपन करना है यहां पर, ठीक है। क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। यहां पे क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट इन कैश करना है, मतलब यहां पर हम लोग को कैश इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा उसका वर्किंग नोट में, ठीक है। तो पहले हम लोग जो अकाउंट क्लोज करते हैं स्टेप उसको हम लोग वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश को हम लोग छोड़ देंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, अकाउंट क्लोज करते पहले कैश को क्लोज कर लेते थे, उसके बाद अकाउंट रिवैल्यूएशन पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट को क्लोज कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को होल्ड रखेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन पहले क्लोज कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका अमाउंट पार्टनर्स में, फिर पार्टनर्स को क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लोजिंग का जो कैश रहेगा उसको निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे और स्टेप में आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर हमें कैश से एडजस्टमेंट करने के लिए बोला तो फिर हम लोग कैश का जो वर्किंग नोट रहेगा वो लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, रूल हमारा लोग का वही सेम ही है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेंगे, सभी को ऐड कर दो 3,500, 2,000, 250, 2,870, 3,150, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 11,970, कितना आ जाएगा, 11,970। यहाँ पे सभी लोग जरा एक करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग को दिया है प्लांट एंड मशीनरी 49,000 और हमने यहाँ पर गलती से लिख लिया है 45,000, तो इसको हम लोग कर लेंगे पहले 49,000, अब 49,000 के ऊपर हम लोग 5% निकाल लेंगे, तो 2,450 हो जाएगा। तो 49,000 माइनस 2,450, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 46, फोर्टी सिक्स थाउजेंड 550। तो यहाँ पे भी सेम, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24,000, सॉरी 2,450, 2,000 450। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेंगे,
3,500, 2,450, 2,870, 3,150, कितना आ जाएगा हमारा 11,970। यहाँ पे भी सेम वही अमाउंट आ जाएगा 11,970। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो पे जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम बाय ओल्ड पार्टनर में धीरज, कैपिटल अकाउंट बाय नीरज, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो लॉस, ओल्ड पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिवाइड बाय 5 × 3 तो कितना आ जाएगा 7,182, माइनस कर लेंगे तो 4,788। यहाँ पे आप दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ये दो तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्टली 11,970 से को 5 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से जो अमाउंट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपका दोनों डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, जैसे यहाँ से 11,970 जैसे मान लो धीरज का निकालना है तो 3/5, सेम उसी तरह नीरज का निकालना है तो 11,970 × 2/5। तो इसको जब कैलकुलेट कर दोगे तो आपको ये दोनों सेम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या यहाँ पर क्रेडिट में है, तो जब नेक्स्ट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो अपोजिट साइड चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में लॉस, अमाउंट कितना है 7,182 और नीरज का कितना है 4,788। इसको क्लोज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले सूरज का क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही अमाउंट आ जाएगा 20,000, इसका ऑलरेडी है तो इसमें कोई भी कैश अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद नीरज का क्लोज कर देंगे, अभी कौन से साइड ज़्यादा है वो चेक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 50 है, ठीक है, 54 क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड को ऐड कर लेंगे 50,000, 4,000, 50,000, 4,000 and 15,000। तो 69,000 हो जाएगा हमारा। सेम वही अमाउंट हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे, 69,000। अब यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि हमें क्या करना है, कैश अकाउंट में क्लोज करना है ना इसको, जो एक्सेस अमाउंट रहेगा। तो 69,000 में से डेबिट बैलेंस माइनस कर लो, तो 4,788 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा 44,212, ये डैश हो जाएगा। अब धीरज का अकाउंट क्लोज करेंगे, 56,000 हो गया। अभी हम लोग डेबिट में चेक करेंगे कौन से साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में ज़्यादा है तो डेबिट साइड टोटल कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत उल्टा पुल्टा हो गया ना, यहाँ पर सूरज का तो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया है कैश में। ठीक है, मतलब कैपिटल से ओवर एक्सेस कैश नहीं है। नीरज में क्या आ रहा है, एक्सेस हो रहा है कैपिटल से। अब धीरज का देखते हैं, धीरज में कितना है 7,182 प्लस 60,000 तो 67,182। अभी डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे,
कितना है 67,182। अभी यहां पर कैश क्रिएट हो जाएगा अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो है उसमें से उसको माइनस कर देंगे इसमें टोटल में से, तो माइनस 50,000 माइनस 6,000 11,182। तो ये हो गया हम लोग का कैश का अब हम लोग क्या करेंगे इसको अब हम लोग क्या करेंगे इसका पहले तो आप जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का उसको हम लोग लायबिलिटी में ट्रांसफर कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का नाम लिख लेंगे धीरज नीरज सूरज। अमाउंट कितना है 60,000, धीरज का नीरज का 20,000 और सूरज का भी 20,000, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000। ठीक है अब आ गया हम लोग का लास्ट कैश का, तो कैश के लिए क्या है बहुत सारा कैश का एडजस्टमेंट हो गया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लेजर एक बनाना पड़ेगा तभी जाके हम लोग यहाँ पर उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हमें कैसे मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास आ गया है इफेक्ट कैश का, क्योंकि यहाँ पे कैश के ऊपर ही एडजस्टमेंट करना था कैपिटल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे एक कैश का लेजर अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है चलो मैं बता देता हूं, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग ने कैश अकाउंट बना लिया है वर्किंग नोट में। अभी देखो यहां पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पर जितना भी अमाउंट हम लोग ने ऐड किया था ना तो ये क्या है डेबिट था, तो डेबिट का ऑलरेडी ऐड करते हैं कैश में तो उसके डेबिट साइड में लिख दो आप पहले क्या दिया हुआ था 9,200 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस था कितना 9,200। सेकेंड जो अमाउंट था क्या गुडविल जो कैश में लेकर आए थे तो गुडविल लिख दो यहां पर, इसकी जनरल एंट्री आपको याद करना कंपलसरी है तो ही आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद दिया है 20,000 क्या था कैश लेकर आया था, कौन लेकर आया था पार्टनर लेकर आया था ना, तो पार्टनर का नाम क्या था सूरज है ना, तो सूरज कैपिटल अकाउंट 20,000। तो ये तो हो गया हम लोग का। ठीक है अब हम लोग उसको इरेज कर लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया था ना। अगर जैसे इसके आगे और कोई कैश का एडजस्टमेंट नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्टली तीनों को ऐड कर देते तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है न्यू जो कैपिटल है उसको कैश में एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पर कैश जो है कहाँ पर है, जो हम लोग ने क्लोजिंग कैलकुलेट किया है कैश वो कहाँ पर है डेबिट साइड में है, तो जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो डेबिट का क्रेडिट में चला जाता है, क्या जाएगा अभी कैश अकाउंट कहाँ पर है किसके पार्टनर अकाउंट में कैपिटल के नीरज के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीरज कैपिटल अकाउंट। कैसे आएगा डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, जैसे कैश अकाउंट के डेबिट में है ठीक है, अब ये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है ना क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में चला जाएगा पहले तो। ठीक है डेबिट दिया है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट किसका रहेगा तो किसका है, कभी भी कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना कभी भी। तो यहाँ पे क्या आएगा अपोजिट नेम, अपोजिट नेम क्या है इसका नीरज और किसका अकाउंट है कैपिटल है, तो बाय नीरज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना है 44,212। ठीक है तो ये हो गया कैश का। अब सेकेंड जो पार्टनर का है कहां पर आ गया है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में आया है तो हम लोग कहां लिखेंगे उसको डेबिट में। ठीक है उसका क्लोजिंग बैलेंस किसका है धीरज का, क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं आता अपोजिट अकाउंट का नाम आता है, तो कैश में किसका है ये धीरज का, तो यहां पे लिखेंगे धीरज कैपिटल, धीरज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है
11,182। अब हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है तो हम लोग डेबिट साइड को ऐड कर लेंगे। 9,200, 15,000, 20,000, 11,182, तो टोटल आ जाएगा हमारा 55,382। अभी डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में भी सेम वही लिखेंगे 55,382, और उसमें से क्रेडिट बैलेंस माइनस कर देंगे 44,212, तो कितना आ जाएगा 11,170। इसको हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन। मिल गया ना हमें कैश का क्लोजिंग कितना 11,170। अब सभी को ऐड कर दो और टोटल निकाल लेंगे। लाइबिलिटी का लाइबिलिटी साइड ऐड कर लो 1,70,000 एंड 7,000, तो कितना आ जाएगा 1,77,000। उसी तरह असेट्स का भी ऐड कर लेंगे 31,500, 46,550, 2,100, 25,830, 59,850 प्लस 11,170, तो कितना आ जाएगा हमारा 1,77,000। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी है, इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा मिले हैं, जैसे कुछ जैसे कि कैश का वर्किंग नोट कैलकुलेशन, फिर इसमें सेक्रीफाइस रेशियो नील आ गया है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, गुडविल एक ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 10 महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का एडमिशन और पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। तो इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसमें डाउट आना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा डिफरेंट है सबसे। तो जो भी रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसके साथ साथ में जितने लोग भी चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।